हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। दोस्तों, आज है 14 फरवरी और लेकर मैं आ गया हूँ देश, दुनिया, राज्य, राजधानी, साथ ही साथ खेल कूद और मनोरंजन से जुड़े करेंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहा है 14 फरवरी को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, धूमिल तेंदुआ को राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर घोषित किया गया। और ये धूमिल तेंदुआ मेघालय का राष्ट्रीय पशु है। और मेघालय से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ के गवर्नर हैं तथागत राय और वहाँ के सीएम हैं कॉनराड संगमा। दोस्तों, मैं वीडियो के आखिरी में एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक आकर्षक इनाम। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांचवा अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर से रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ पर सीएम का कार्यभार संभाल रहे हैं नवीन पटनायक। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि यूनानी चिकित्सा पद्धति पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ पर उप राज्यपाल के पद पर हैं कौन है? अनिल बैजल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि अर्ली एड एशिया 2019 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जयपुर में आयोजित हुआ है और जयपुर जो है राजस्थान का राजधानी है और यहाँ पर राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह और वहाँ पर मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हुए हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट प्रश्न है फिल्म से जुड़ा हुआ कि फिल्म पायरेसी का अपराध पर कितना हर्जाना देना होगा, मतलब क्या क्या प्रावधान है अगर आप चोरी वाला फिल्म बनाइएगा? तो 10 लाख रुपए देना होगा और साथ ही साथ 3 साल का कैद भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज राहत का आयोजन कहाँ हुआ था हाल फिलहाल में? तो जयपुर में हुआ था। जयपुर से जुड़ा फैक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग में टॉप 100 में तीसरे भारतीय ये कौन है? तो ये प्रजनेश गुणेश्वरन है। प्रजनेश नाम अच्छे से याद कर लीजिए, प्रजनेश गुणेश्वरन। नेक्स्ट है क्रेडाई CREDAI का यूथ कौन 19वां कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो क्रेडाई का यूथ कौन 19 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और आज का इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो उसका कमेंट आप करें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और दोस्तों, आप उपहार अवश्य प्राप्त होगा अगर आप सही जवाब देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हैव अ नाइस वैलेंटाइन डे।